बच्चों लास्ट सवाल जो हम ले रहे थे वो कुछ ऐसा था कि सपोज ये V1 से चार्ज किया, इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, और इसको जो चार्ज किया है वो लेट्स V2 से चार्ज किया, V2 इज इक्वल टू लेट्स ले लेते हैं कि 40 वोल्ट, C2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड, जस्ट एक वैल्यू ले लेते हैं, V1 इज इक्वल टू लेट्स 100 वोल्ट, C1 इज इक्वल टू सपोज 6 माइक्रोफेराड, लेकिन इसका ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट है, हमने पहला जो डायग्राम ड्रॉ किया था जैसे ऐसे एक बैटरी कनेक्टेड था, तो इसको समझाता हूं कि ये सपोज इस टाइप के बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया, स्विच क्लोज था लॉन्ग टाइम के लिए, फिर ओपन कर दिया, वैसे इसको चार्ज किया, और फाइनली फाइनली इस स्विच को क्लोज कर दिया। पूछा जाएगा व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल। तो ये लास्ट में हम जो डिस्कस कर रहे थे उस समय डिस्कनेक्ट हो गया था, कहोगे सर बहुत ही बेसिक है, लेट्स कॉमन पोटेंशियल इज V। अब देखना इसका अलग पोटेंशियल, इसका अलग पोटेंशियल, ये अलग पोटेंशियल पे, ये अलग पोटेंशियल पे, चार्ज विल फ्लो टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल सपोज V लिया, तो अब इस प्लेट पे व्हाट विल बी द चार्ज फाइनल, C1 इनटू V, इस प्लेट पे क्या चार्ज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, लेट्स ये हायर ये लोअर, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, C2 इनटू V, लेकिन ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, पहले इस पे कितना चार्ज था, तो C1 इनटू V1, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज था इसलिए -C2 इनटू V2, दैट मींस यहां तक अगर मैं लिखूं तो C1 इनटू V1 हो जाएगा 600 माइक्रो कूलम -40 इनटू 5 200 माइक्रो कूलम, C1 इज 6, V1 इज C2 इज 5, C1 प्लस C2 इनटू V, सो V कम्स आउट एज 400 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय 11 माइक्रो फैराड, सो आंसर इज 400 डिवाइड बाय 11 वोल्ट, दिस इज कॉमन पोटेंशियल। हमने पिछले सवाल जब करवाए थे तो यहां प्लस लिया था, क्यों, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया था, तो आई होप कि ऐसे सवाल तुम कर सकते हो, सो आज कैपेसिटर का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो HC वर्मा में दिया हुआ है और करंट वाले चैप्टर में, चूंकि वो पहले कैपेसिटर पढ़ाया फिर बाद में करंट पढ़ाया, तो करंट से भी रिलेशन है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग डालो।
तो ये हेडिंग डाल दिया और इस कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन होगा जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें एक और सर्किट एलिमेंट आता है दैट इज कॉल्ड इंडक्टर। कुछ बच्चे नाम सुने होंगे तो उस इंडक्टर में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा उसमें बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, करंट टाइम के साथ इंक्रीज होता है। यहां पे होगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इस पे चार्ज बढ़ रहा है, फाइनली ये फुल्ली चार्ज होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। हियर वी विल डिस्कस कि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करना शुरू किए टी इज इक्वल टू जीरो पे इसको क्लोज किया है ना, एंड कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड। तो क्या ये सडनली चार्ज हो जाएगा, क्या एक सर्टेन टाइम लेगा, कितने टाइम में कितना चार्ज होगा, दैट मीन्स एट एनी टाइम टी इस पे चार्ज क्या होगा, है ना। फुल्ली चार्ज किस टाइम पे होगा, फुल्ली चार्ज में जितना चार्ज है उसका हाफ किस टाइम पे होगा चार्ज। सो वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट हियर। तो आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं इस पे किसी टाइम पे कितना चार्ज होगा। Yes, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि अगर ये चार्ज हो रहा है तो इससे चार्ज ऐसे फ्लो रहा, दैट मीन्स इस सर्किट से करंट है। करंट होगा तो कितने टाइम तक होगा, किसी टाइम पे क्या करंट है। ओके तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स किसी टाइम पे एट एनी टाइम टी इस कैपेसिटर पे क्यू चार्ज आ गया इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे सर्टेनली माइनस क्यू होगा, बिकॉज जितना पॉजिटिव ये देगा उतना नेगेटिव ये देगा, या कहें पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ जाए, सर्किट कंप्लीट होता है ना। सर ये पॉइंट दोबारा बताओ ना। मैंने कहा कि इस पे अगर प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू होगा, कहोगे सर कैसे, ये अगर प्लस क्यू यहां से दिया, मैंने हमेशा बताया अगर ये प्लस क्यू दिया तो ये प्लस क्यू वापस ले लेगा, तो प्लस क्यू वापस इधर से आएगा, ये प्लेट न्यूट्रल था, कैसे प्लस क्यू वापस लेगा, तो इससे क्यू ले लिया तो इस पे कितना बचेगा माइनस क्यू। तो बैटरी हमेशा जितना चार्ज देता है दूसरे तरफ से उतना चार्ज ले लेता है, तो ये प्लस ये माइनस, तो एट एनी टाइम दिस इज सिचुएशन। तो अगर चार्ज चेंज हो रहा है तो इसमें कुछ करंट है, तो इस स्टैंड पे मैं लिखना चाहता हूं कि क्या इसमें क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या किरचॉफ्स लूप लॉ लिख सकते हैं। यस, तो मैं इस स्टैंड पे हम सर्किट में इक्वेशंस लिखते हैं, यहां से चलते हैं, इसको चलिए वी के जगह पे ई ले लेता हूं, ठीक है ना, ई एम एफ ई, यहां से यहां चलते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, E. और नेट रेजिस्टेंस सर्किट का आर ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज यहां से यहां गए प्लस ई, यहां से यहां जाएंगे, मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय सी, ऐसे करंट है, रेजिस्टर यहां ले लिया माइनस आई आर, यहां पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू जीरो। क्या किसी बच्चे को इस इक्वेशंस में डाउट है, आई होप कि नहीं होगा, किरचॉफ्स लूप लॉ लिख लिया। आई को हम क्या लिख सकते हैं, जो आई है उसी कारण ये क्यू चेंज हो रहा है,
तो क्या आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी? जो यहां का क्यू है, पहले जीरो था, क्यू जो बढ़ रहा है वो आई के कारण ही तो बढ़ रहा है। So, यहां से बच्चों लिख लेते हैं आई आर इज इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी एंड आई इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। ये चार्ज चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इधर से ऐसे जाएगा आई तो क्यू इंक्रीज होगा। अब तुम्हें ये आइडिया क्लियर है कि अब क्या करना है, टी वाले को एक साइड, क्यू वाले को एक साइड, है ना? सो डी क्यू अपॉन ई माइनस क्यू बाय सी दैट इज इक्वल टू वन अपॉन आर डी टी। अरेंज करके लिख लिया। नाउ इंटीग्रेट दिस। ये क्यू और टाइम में रिलेशन आ जाएगा और यही तो मुझे चाहिए था, मुझे यही चाहिए किसी टाइम पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। सो व्हाट इज द चार्ज इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो? हमने कहा था इनिशियली ये अनचार्ज था, सो जीरो एट एनी टाइम टी लेट्स चार्ज इज क्यू। सो यहां तक लिख ले और आगे सॉल्व करो। इसका इंटीग्रेशन तो पता है क्या होता है, ln e माइनस q अपॉन c, q का कोएफिशिएंट माइनस वन बाय c, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, अपॉन माइनस वन बाय c, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन r dt का इंटीग्रेशन t। ये इधर चला जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे जीरो टू क्यू जीरो टू टी। सो आ जाएगा एल एन ई माइनस क्यू बाय सी अपर लिमिट, यहां पे कैपिटल क्यू ले लिया, q by c minus ln e that is equal to minus 1 upon rc into t। इसको लिख सकते हो ln e माइनस क्यू अपॉन सी होल अपॉन ई दैट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी, लॉग को हटा दो, वन माइनस क्यू अपॉन ई सी दैट इज इक्वल टू स्मॉल ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बहुत फेमस रिजल्ट आ गया, क्यू इज इक्वल टू वन माइनस ये रिजल्ट आज के आज याद कर लो, बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। और आर सी को टाउ लिख दिया, टाउ इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट।
So this is your expression, charge on the capacitor at any time t. और इस एक्सप्रेशन में देखोगे t इक्वल टू जीरो पे तो ये जीरो आएगा ही बिकॉज ये वन हो गया और हमने लिमिट में भी लिया था यही. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है मतलब चार्ज इज इंक्रीजिंग और ये फुल्ली चार्ज मैक्सिमम चार्ज कब होगा तो एट इंफिनिटी. मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लेगा आइडियली. तो कहोगे सर इनफाइनाइट टाइम में फुल्ली चार्ज होगा तो ये कैसे कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं. सो मे बी लुक फॉर दैट कि अगर मैं पूछूं कि 99% चार्ज कितने देर में होगा तुम देखोगे 99% चार्ज 99.9% चार्ज बहुत ही क्विकली हो जाता है. सो प्रैक्टिकली बहुत ही कम टाइम में ये फुल्ली चार्ज हो जाता है. फुल्ली से थोड़ा सा कम बहुत थोड़ा सा बहुत क्विकली कैसे देखते हैं. तो अगर मैं पूछूं इस सवाल में लेट्स की आई इज इक्वल टू ले लिया कितना लेता हूं 100 ओम. C इज इक्वल टू ले लिया 10 माइक्रोफेराड. तो ये जो टाउ आया है टाउ इज इक्वल टू आर सी जिसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं ये कितना होगा टाउ देखते हैं. आर इज इक्वल टू 100 इसी रेंज में रहता है 100 ओम 1 किलो ओम 2 किलो ओम ऐसा होगा. कैपेसिटर सब माइक्रोफेराड में कितना हो जाएगा ये 10^-3 सेकेंड 10^-3 सेकेंड एक सेकेंड का थाउजेंड्स पार्ट एक सेकेंड का थाउजेंड्स पार्ट. इज इट बिग नंबर नहीं 1 मिली सेकेंड. टाइम कॉन्स्टेंट इज 1 मिली सेकेंड. मैं चेक करता हूं कि 1 मिली सेकेंड में वो मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट होगा. सो हाउ मच चार्ज विल अपीयर इन 1 मिली सेकेंड इन वन टाइम कॉन्स्टेंट दैट इज t इज इक्वल टू tau. tau बोलते हैं. तुम कहोगे सर क्या होगा q इज इक्वल टू q नॉट 1 - e^2 t के जगह पे tau अपॉन ये तो tau 1/e q0 1 - 1/e 1/e कितना होता है 1/e जो होता है रफली e कितना होता है रफली 2.7. सो 1/e कितना होगा 1/2.7 मतलब 1/3 से थोड़ा ज्यादा. 1/3 कितना होता है 0.33 ये थोड़ा ज्यादा 0.37. सो ये वैल्यू याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं 1/e कितना होता है 0.37. कैसे क्या समझ में आ गया होगा कैसे अप्रोक्सीमेशन करना है एग्जाम में कैलकुलेटर्स तुम्हें नहीं रहेगा. इज इट क्लियर. सो Q naught into 1 - 0.37 that is equal to 0.63 Q naught. मतलब maximum charge का 63% of maximum charge. मनस्वी clear हुआ ये? एक time constant में इस पे
मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो जाएगा। तो रफली मुझे बताओ कौन कौन से बच्चे मैसेज करते हैं मुझे कि दो टाइम कांस्टेंट के बाद आफ्टर टू टाइम कांस्टेंट व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट होगा। ये एग्जाम में आ गया, तेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, रफ अप्रोक्सीमेशन करके बताना है 80 होगा, 85% होगा, 90% होगा, 95% होगा, 70% होगा, क्या होगा, देखते हैं कौन कितना रफ कैलकुलेशन कर पाता है। सबने कहा टू टाइम कॉन्स्टेंट के बाद कितना होगा, आफ्टर टू टाइम कॉन्स्टेंट Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 minus 1 upon E square। आपको वैसे 1/E² तो नहीं पता, बट 1/E तो आपने बताया है, 1 minus 0.37 का स्क्वायर। अब तुम्हें रफ अप्रोक्सीमेशन करना है, 0.37 इंटू 37 करने जाओगे एक मिनट लग जाएगा। मनस्वी ये 18 कैसे लिखा, गलती से तो नहीं लिखा, 0.37 इंटू 0.37 अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूं, 0.4 का स्क्वायर कितना होता है 0.16, ये 0.16 से थोड़ा कम होगा, है ना, 0.16 से थोड़ा कम होगा। तो इसको रफली लिख सकता हूं मैं Q नॉट 1 minus 0.14, 0.16 से कम, कोई 1.5 भी लिख लेगा चलेगा, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, तो ये लगभग 0.86 हो गया, 86% चार्ज हो जाएगा। दिस इज द रफ अप्रोक्सीमेशन, क्यों मैं 37 into 37 कर रहा हूं, दिस इज द वे, एग्जाम में ये बड़ा हेल्पफुल होगा। दो टाइम कॉन्स्टेंट के बाद कितना हो गया, 36% हो गया। सॉरी 86% हो गया, दो टाइम कॉन्स्टेंट के बाद 86%। वैसे अगर मैं पूछूं कि कितना टाइम कॉन्स्टेंट के बाद, 99% हो जाएगा। दूसरा सवाल, मैं टू टाइम कॉन्स्टेंट या पूछ रहा हूं कि आफ्टर हाउ मच टाइम फाइंड टाइम टू गेट 99% चार्ज। कितने टाइम कॉन्स्टेंट के बाद होगा, तो तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 minus E2 minus T by tau, Q के जगह पे लिख लेंगे 0.99 Q नॉट, दैट इज इक्वल टू Q नॉट 1 minus E2 minus T by tau। ये सारे बच्चे कर रहे होंगे साथ साथ, दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा 0.99, दैट इज इक्वल टू 1 minus E2 minus T by tau, दिस इंप्लाइज E2 minus T by tau इज इक्वल टू 0.01। 0.01 का मतलब 10 to the power minus 2, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग तो माइनस टी बाय टाउ एल एन ई सॉरी लॉग बेस 10 ई दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू सही लिख रहा हूं हाँ सर। So, यहां से क्या हो जाएगा log बेस 10 ई सो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ये माइनस माइनस गया 2 अपॉन log 10 ई इंटू tau इसको बेटर ऐसे करते हैं
बेस ई का लॉग ले लेते बेस ई का लॉग लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है ना, तो बेस ई का ले लेंगे तो टी बाई टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू लॉग बेस टी टेन, टी इज इक्वल टू टू टाउ लॉग बेस ई कितना होता है, लॉग बेस ई टेन पढ़ोगे शायद 2.303 तो t इज इक्वल टू रफली 4.6 टाउ, मतलब लेस देन 5 टाउ, लेस देन 5 टाउ। टाउ कितना आया था 1 मिली सेकेंड, मतलब 5 मिली सेकेंड में इस पे 99% से ज्यादा चार्ज हो जाता कैपेसिटर। इनफैक्ट इसको कह सकते हैं बच्चों, जो आइडियली हमने कहा कि इसको इनफाइनाइट टाइम लगता है फुल चार्ज होने में, लेकिन प्रैक्टिकली कहो तो ये बहुत ही क्विकली चार्ज हो जाता है, 99% 5 मिली सेकेंड में हो गया, 5 मिली सेकेंड में 99% चार्ज हो गया, मतलब कैपेसिटर का ये एबिलिटी है कि दिस बिकम्स चार्ज्ड वेरी क्विकली। और ये मैंने स्टार्ट में कहा था कि कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं, जब हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करने के लिए तो सेल है ही, बैटरी है ही, तो कैपेसिटर की क्या जरूरत है। कैपेसिटर की जरूरत है, किसी को याद है हमने क्या कहा था, व्हाई कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड, दिस कैन रिलीज एनर्जी, दिस कैन गिव एनर्जी इन वेरी क्विक टाइम, बहुत क्विकली पूरा एनर्जी दे देगा। तो अगर ज्यादा एनर्जी कम टाइम के लिए चाहिए तो वो रिलीज कर देगा। जैसे हमने कहा था कि कैमरा यूज करते हो तो फ्लैश लाइट के लिए जैसे ही क्लिक किए बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत एक मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो फ्लैश होता है, वो बैटरी के थ्रू नहीं हो सकता था, तो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर था, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो चार्जिंग डिस्कस किया, डिस्चार्जिंग में वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि बहुत क्विकली एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन अगर वो क्विकली चार्ज नहीं होता जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो तुम्हें एक फोटो खींचे उस पर चार दिन वेट करना पड़ता दूसरा फोटो खींचने के लिए, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता, लेकिन ऐसा नहीं है, कैपेसिटर चार्ज बहुत क्विकली हो जाता है। तुमने जैसे ही बटन क्लिक किया पिक्चर आया, फिर एक सेकंड भी नहीं देकर तो दूसरा भी क्लिक हो गया, फिर से वो फ्लैश लाइट ऑन रहेगा, बिकॉज वो एक सेकंड के अंदर वो लगभग पूरा चार्ज हो ही गया, तो फिर से रिलीज कर देगा। सो इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। तो ये सवाल ऐसे आएगा कि कितने टाइम में 99% चार्ज होगा, कितने टाइम में 100% चार्ज होगा, 99.9% भी कह सकता है। तो इसका मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये तुम लोग आई होप कि लिख लिए होंगे, सो दिस इज वेरी फेमस ग्राफ कि वी विल ड्रॉ चार्ज ऑन द कैपेसिटर वर्सेस टाइम। सारे बच्चे ड्रॉ करेंगे, इनिशियल चार्ज जीरो, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसका ऐसा होगा एक्सपोनेंशियल, और t इनफिनिटी पे टच करेगा, ये हो गया q नॉट दैट इज इक्वल टू ई सी विच विल बी चार्ज एट इंफिनिटी। बट प्रैक्टिकली अगर पूछा जाए एक टाइम कॉन्स्टेंट के बाद हो जाएगा 63% चार्ज, टू टाइम कॉन्स्टेंट के बाद ये हो जाएगा 86% चार्ज एंड सो ऑन। तो ये दो डेटा याद रखना। सो ड्रॉ दिस ग्राफ,
सो नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर इसमें चार्ज का हमने फंक्शन निकाल लिया, बहुत इजली हम लोग करंट का भी फंक्शन निकाल लेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट मतलब ई सी वन माइनस ई टू माइनस टी बाई टाउ, टाउ इज नथिंग बट आर सी, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ईसी इसका हो जाएगा माइनस माइनस वन अपॉन आर सी ई टू माइनस टी बाई टाउ, सो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर ई टू माइनस टी बाई आर, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ अगर तुमने ये ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच में आई वर्सेस टी का, तो टी इज इक्वल टू जीरो आई विल बी ये हो गया वन ई अपॉन आर, एक्सपोनेंशियल है और डिक्रीज करेगा माइनस पावर है, इसका ग्राफ देखोगे तो ऐसा आएगा डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और जीरो कब होगा इनफाइनाइट टाइम एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी आई इज इक्वल टू जीरो, बट प्रैक्टिकली अगर पूछा जाए कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद इन वन टाइम कांस्टेंट कितना करंट होगा, इसको लिख सकते हैं इसको दिस इज कॉल्ड आई नॉट इनिशियल करंट मैक्सिमम करंट जो है, मैं यहां लिख लेता हूं टी इक्वल टू टाउ पे आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ई वन बाई ई, तुम्हें पता था 0.37 आई नॉट 0.37 मतलब 37% ही करंट बचा हुआ है एक टाइम कांस्टेंट के बाद, या ऐसे कहें 63% कम हो गया करंट, 63% डिक्रीज हो गया, डिक्रीजेस बाय 63% या डिक्रीजेस टू 37%, टू टाइम कॉन्स्टेंट के बाद कितना होगा वो तुम्हें पता है, तो ये हमने करंट का भी देख लिया। अगर मैं पूछूं कि टी इक्वल टू जीरो पे कितना करंट था, तो आर हो गया और ये ई था, ई बाई आर, दैट मीन्स ये कैपेसिटर क्या कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कहोगे नहीं, मतलब एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट, मतलब ऑफर्स या कह सकते हैं ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, कैसा बिहेव करते हैं शॉर्ट सर्किट, मतलब करंट को फुल्ली अलाउ कर देगा। तो ये ऐसे सवाल बहुत सारे हैं तुम्हारे बुकलेट में, इजी सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, बट इजी में तुम लोग गलती कर देते हो। आज टी इन्फिनिटी करंट नहीं जा रहा है, मतलब ये करंट जाने नहीं दे रहा है, ये फुल्ली चार्ज हो गया, अब करंट चार्ज नहीं फ्लो होगा, आई जीरो हो गया, दैट मीन्स कैपेसिटर ऑफर्स
कितना रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. हाउ मच रेजिस्टेंस इट ऑफर्स? इनफाइनाइट. इट बिहेव लाइक, कह सकते हैं, ओपन सर्किट. इट बिहेव लाइक ओपन सर्किट, मतलब ये खुला है, इधर चार्ज जाने, करंट जाने ही नहीं देगा, चार्ज जाने ही नहीं, फ्लो करने देगा. तो ये बहुत सारे सवाल में, इजी सवाल में इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है. तो ये एकदम अच्छे से समझ जाओ, मतलब अभी 100% समझ जाओ. जैसे इस पे बेस्ट एक सवाल लेते हैं. अब ये छोटा सा सवाल ले रहा हूं बच्चों, ये सारे बच्चे सॉल्व करेंगे. दिस इज कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड. इनिशियली अनचार्ज्ड एट t इज इक्वल टू जीरो, s इज क्लोज्ड, स्विच को क्लोज किया, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा. इस वायर में करंट को हमने आई दिखाया है, मतलब बैटरी अभी आई करंट सेंड कर रहा है. देन फाइंड आई, पहला सवाल एट टी इक्वल टू जीरो. देन फाइंड आई एट टी इक्वल टू जीरो. बी I at t equal to infinity. ये सवाल सारे बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्विच को क्लोज किया, दिस विल ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट वायर जैसा बिहेव करता है. दैट मीन्स यहां पे करंट आया, इसके पास दो पाथ दिखा, एक दो. t इक्वल टू जीरो पे ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब सारा करंट इससे चला जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, इधर तो रेजिस्टेंस है. ऑल करंट विल पास थ्रू हियर, यहां के बाद फिर एक रेजिस्टेंस. सो कैन वी से दैट इसका आंसर e बाई आर होगा. आदित्य सिंह, इज इट क्लियर? श्रीतोष ने आंसर बता दिया था, बहुत बढ़िया. अगर मैं पूछूं कि t इंफिनिटी पे क्या होगा करंट, t इंफिनिटी पे हाउ दिस विल बी है, t इक्वल टू जीरो कैसा हुआ? एट t इक्वल टू इंफिनिटी इससे कोई करंट नहीं जाएगा. जब इससे कोई करंट नहीं जाएगा तो इस करंट के पास ये पाथ बचा, ऐसे आएगा. सो करंट अपॉन विल बी ई अपॉन टू आर. आज सीख लिया ये, तो कम से कम कुछ तो नया सीखा बच्चों. सारे बच्चे, जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, 43 स्टूडेंट है अभी, 46 से 43 हो गए. सोचो कि आज ये किया तो ये पूरे तरीके समझ में आ गया. चलो एक और आ गया क्वेश्चन. नाउ
अगर मैं पूछूं कि किसी टाइम पे इसमें कितना करंट होगा एट एनी टाइम टी या इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, तो पहले तो मैं यही पूछूंगा, ये पहला सवाल था। तीसरा सवाल, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये सवाल भी होना चाहिए। टी इंफिनिटी पे क्या होगा? क्या टी इंफिनिटी पहुंच जाए लॉन्ग टाइम के बाद जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाएगा इस पे? तो सर्किट कैसा होगा? यह ई करंट ऐसे जा रहा है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस उतना ही इसके अक्रॉस, क्योंकि ये आर ये भी आर, तो कैन वी से कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल अभी कितना होगा? ई बाई टू। इसके अक्रॉस भी ई बाई टू, तो चार्ज क्यू नॉट ऑन द कैपेसिटर लॉन्ग टाइम बाद कितना होगा? सी वी। क्या मनस्वी ये क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। कि लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? तो ये तीन सवाल तुमने लोगों ने सीख लिया। किसी टाइम पे क्या होगा अभी हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे। तो मुझे देखना है कि तुम लोगों को सचमुच में समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सवाल लिया मैंने, स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो, फाइंड, पहला सवाल, करंट बाय सेल एट टी इक्वल टू जीरो, दूसरा करंट बाय सेल एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, तीसरा मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर सी इज इक्वल टू लेट्स 10 माइक्रोफैराड। कितना होगा? हर्षल ने कुछ आंसर दिया। हर्षल
हर्षल थोड़ा सा टाइम और दो. कौन कौन पहले आंसर करता है? मनस्वी इट्स नॉट करेक्ट आंसर. मनस्वी सेकेंड पार्ट इज करेक्ट. फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग. रियल अभी तक तो सबको आंसर कर देना चाहिए था. तो कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया, कुछ बच्चों ने सही किया है. और आते हैं देखो यहां से ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे जेई एडवांस में ये सवाल हो सकता है. बच्चे इसमें भी कंफर्ट जोन नहीं फील करते हैं. बहुत आसान से सवाल है. यहां से करंट गया, टीज का जो जीरो की बात कर रहा हूं, करंट जा सकता है इधर से भी जाएगा. बिकॉज ये सिंपली ऐसे सोचोगे ये शॉर्ट सर्किट है. तो यहां से गया यहां तक गया, लेकिन यहां भी रेजिस्टेंस है, यहां भी रेजिस्टेंस है, तो दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा. तुमने क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ इससे पास करा. अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो करंट यहां पहुंच जाता, लेकिन अभी तो यहां रेजिस्टेंस मिल गया इसको, दोनों से जाएगा. ये जस्ट ऐसे कर लो कि इसको शॉर्ट सर्किट कर लो बस, मतलब वायर है ऐसे. तो 6 और 6 पैरेलल तो हो गया 3, 4, 3, 7, 7, 2, 9 36 है, 36/9. सो फर्स्ट का आंसर हो गया 4 एम्पियर. बहुत सारे बच्चों ने किया टी इन्फिनिटी पे. टी इन्फिनिटी से इस पे करंट नहीं जाएगा एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज ये फुल्ली चार्ज हो गया, देयर विल बी नो करंट, नहीं जाने देगा. जब इससे नहीं जाएगा तो इससे भी नहीं होगा. सो करंट का पाथ ये होगा 6, 4, 10, 2, 12. सो करंट विल बी 3 एम्पियर. मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड. मैं बता रहा हूं यार, ये इतना अच्छा सवाल है और इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज अगर तूने सीख लिया, थोड़ा सा ध्यान दिया, पक्के से सीख जाओगे. मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड, मुझे क्या करना है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है टी इन्फिनिटी पे. इससे करनी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, बिकॉज इसमें करंट नहीं है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस. ये 6 है और यहां भी 4 + 2 = 6 हो गया. तो ये 36 है, तो आधा आधा होगा. इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस 18 वोल्ट रहेगा, तो चार्ज हो जाएगा Q. थर्ड का आंसर 10 × 18 दैट इज इक्वल टू 180 μC. किरण खैरनार ने सही बताया. सूर्यवंशी गलत हो गया, तुमने ए भी सही बताया था. श्रीतोष करेक्ट है.